आज हम बनाएंगे पनीर टाको, वो भी देसी स्टाइल में, और हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने की रेसिपी। पनीर टाको बनाने के लिए मैं ली हूँ रोटी। ये रोटी नॉर्मल आटे की रोटी है जो हम रेगुलर गेहूं की रोटी घर में बनाते हैं। मैं 6 रोटी बना ली हूँ, बस उससे थोड़ा सा मोटा है और ये साइड से मैं थोड़ा कम सेकी हूँ, हल्का कम, क्योंकि स्टफिंग के बाद भी हमें सेकना है, और इस साइड से मैं अच्छे से सेक ली हूँ। उसके बाद मैं ली हूँ 200 ग्राम पनीर। पनीर को मैं एकदम छोटी भुर्जी टाइप का काट ली हूँ। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसे भी मैं अच्छे से एकदम बारीक ऑमलेट कर काट ली हूँ। 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, इसे भी एकदम छोटा छोटा हम काट लिए हैं। और ये है 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो, और ये एकदम हंसबे जाएगा थोड़ा सा नमक, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। और ये है मायोनीज 1/2 कप, 1/2 कप टोमेटो केचप, और मैं ली हूँ ये अमूल चीज़, और ये बटर, इसे मेल्ट करके 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें बटर, इसमें ही डाल रही हूँ प्याज, इसे मैं चला चला कर 1 से 1.5 मिनट तक बस नरम कर लूँगी। प्याज हमारा हल्का नरम हो चुका है, 1 मिनट तक मैं इसे चला ली हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्च, इसे भी हम चला कर 1 से 1.5 मिनट तक इसे हल्का सा भून लेंगे। शिमला मिर्च को डालकर भूनते हुए हमें 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर, इसे भी 1.5-2 मिनट तक मैं चला कर इस तरह भून लूँगी। पनीर डाल के भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुका है। याद रहे कि जब भी प्याज शिमला मिर्च पनीर डालेंगे इसकी फ्लेम मीडियम ही रखें। अब मैं इसमें डालूँगी सब सॉस, ये रेड चिली सॉस, ये चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, ये काली मिर्चों का पाउडर, ये चिली फ्लेक्स, सॉरी मैं ऑर्गेनो डाली थी, और ये नमक, 1 चम्मच हम टमाटो केचप डालेंगे, बस 1 चम्मच, बाकी का हम स्टफिंग के लिए रखेंगे। इसे भी हम चलाकर 2 मिनट तक बस भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। सॉस के साथ हमें भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे रोटियों में भरेंगे। हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे रोटियों में भरेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले 1/2 चम्मच मायोनीज लेंगे, रोटी पे अच्छी तरह से हम चारों तरफ लगा देंगे। उसके बाद 1/2 चम्मच टमाटो केचप, उसे भी हम अच्छी तरह से रोटी पे लगाएंगे। रोटियां आप चाहें तो मैदे की भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं की रोटियां इसलिए हेल्दी भी रहे और टेस्टी भी रहे, बच्चों को पसंद भी आए और हेल्दी भी रहे, इसीलिए मैं गेहूं के आटे में बना रही हूं। और ये हम डालेंगे 2 चम्मच स्टफिंग जो हम पनीर का बनाए हैं। ये मेरा देसी स्टाइल में पनीर टाको है, और ये चीज़ मैं घस के रखी हूँ, इसे आप अपने हिसाब से जितना पसंद हो, ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डालें, कम पसंद हो कम डालें, इस तरह रोटियों को मैं इसमें कर दूँगा। इसी तरह मैं अपनी सारी रोटियों को बना लूँगी। हमने 6 रोटियों में स्टफिंग भर दी है। इस तरह से हमारी पनीर टाको तैयार हो चुका है। अब मैं एक पैन गरम कर ली हूँ, उसमें 1 रोटी पे मैं इस तरह बटर लगाऊंगी और इसे अच्छे से इस तरह से मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक दोनों साइड से सेक लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हम हल्के आंच पे इसे आधे आधे मिनट दोनों साइड से सेक लेंगे। 1 साइड से 1/2 मिनट हो चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से सिक चुका है। यहाँ से भी हम 1/2 मिनट सेक लेंगे, उसके बाद निकालेंगे। दूसरी साइड से भी हमारा पनीर टाको अच्छे से सिक चुका है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ।
आप लोग इसे लंच में, डिनर में, नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, छोटे बड़े सब पसंद करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।